तो दोस्तों होंडा सीबी 300F डीलक्स प्रो का मैं आपको फटाफट से प्राइस बता देता हूँ कितना। इसका आपको साउंड भी सुना देता हूँ दोस्तों, साउंड कैसा रहने वाला है। तो कुछ साउंड ऐसा रहेगा दोस्तों इस बाइक का, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको साउंड सुना देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पास में है होंडा सीबी 300F डीलक्स प्रो एडिशन। तो ये देख सकते हो बाइक का लुक कितना शानदार और ज़बरदस्त आ रहा है दोस्तों। तो इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, इस बाइक का प्राइस, इसका माइलेज, एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक दोस्तों। तो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका 360 व्यू दे देता हूँ, तो कैसी कुछ रहने वाली है ये बाइक। तो ये देख सकते हो आप, लेफ्ट साइड का व्यू कुछ ऐसा रहेगा और बैक साइड का कुछ व्यू ऐसा रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने नन्हे मुन्ने छोटे से इंडिकेटर्स, और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस बाइक की एक एक करके। ओवरऑल बाइक का लुक काफ़ी शानदार और काफ़ी प्रीमियम है, आप ये देख सकते हो, और ज़बरदस्त ये बाइक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के और बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरुआत करते हैं, फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं। फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर फ्रंट में आने से यहाँ पर आपको इसका आगे की बॉडी कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको अपने छोटे से इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफ़ी प्यारे और प्रीमियम लग रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार। तो कुछ बॉडी ऐसी रहने वाली है फ्रंट से, और उसके नीचे में आप आओगे तो यहाँ पर आपको अपने बड़े से लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो LED लैंप। और आगे की जो इसकी बॉडी है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ में ये बाइक आती है, आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी प्रीमियम लग रही है दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपने गोल्डन कलर में सस्पेंशन चॉकर देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये जो बाइक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ABS की प्लेट काफ़ी प्रीमियम, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ABS देखने के लिए मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और यहाँ पर आपको अपनी डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर आपको इसका सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, डिस्क ब्रेक के साथ में आती है, डबल डिस्क ब्रेक के साथ में ये बाइक आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ पर ABS का सिंबल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना रेडियम देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो मरघाट है दोस्तों, ये हार्ड प्लास्टिक का है। और अब टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, टायर प्रोफाइल कितना क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से बिना किसी देरी के। जो टायर प्रोफाइल है दोस्तों वो आपको मिलेगा, लगभग कितने इंच का टायर है वो भी बता देता हूँ, MRF के टायर है इसके अंदर में। और जो टायर प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों, लगभग आपको इसमें मिल जाएंगे टायर जो 17 इंच के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिल जाएंगे, 110 70 R17 के टायर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप अपनी डिस्क की प्लेट देख सकते हो, और ये जो लुक दिया गया है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो CB3, यहाँ पर CB300F की बैचिंग यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आपको अपना होंडा का क्लासिक लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। और अब इस साइड में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अपनी प्यारी सी सीट देखने के लिए मिल जाएगी, सीट भी काफ़ी सॉफ्ट और प्रीमियम है, और दो बंदे इस पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और पीछे वाले बंदों के पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे। और पीछे में आपको बड़ा सा अपना लैंप देखने के लिए मिल जाएगा, होंडा की तरफ से आने वाला बड़ा लैंप, और यहाँ पर आपको अपना टेल लैंप देखने के लिए मिलेगा बड़ा सा, जो काफ़ी प्रीमियम और प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके छोटे से नन्हे मुन्ने से इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे तो रेडियम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और जो ये मरघाट है, ये हार्ड प्लास्टिक का मरघाट है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको टायर का जो कवर किया गया है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, हार्ड प्लास्टिक से इसको कवर किया गया है। और ये जो है पीछे का मरघाट है, ताकि बारिश के टाइम में कीचड़ वगैरह ना उठे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अपना पैर रखने का पैंडल मिल जाएगा, वो पूरा एल्युमिनियम का है दोस्तों। और सस्पेंशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त सस्पेंशन के साथ में ये बाइक आती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा कवर किया हुआ मिलेगा, ताकि पीछे वाला बंदा कंफर्टेबली बैठ सके। अब पीछे वाले टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पीछे का टायर है वो MRF का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो टायर का साइज़ है वो आप देख सकते हो 150
150 R17 मतलब 17 इंच का टायर आपको मिलेगा पीछे में और आगे में भी आपको 17 इंच का टायर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंजन, ये 300cc बाइक है दोस्तों, 300cc की बाइक है। तो अब फटाफट से मैं आपको लेफ्ट साइड का व्यू देता हूँ, लेफ्ट साइड से ये बाइक कैसी दिखने वाली है। तो ये लेफ्ट साइड का कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है दोस्तों बाइक का, और कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ ऐसी की आती है इस बाइक के साथ में, ये आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सी की आपको इसमें दो की मिलेगी जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये की कुछ ऐसी रहने वाली है इसकी, ठीक है। तो अब फटाफट से मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ प्रीमियम सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह सारी चीज़ दिखाएगा, नेविगेशन वगैरह, एवरीथिंग अबाउट बाइक के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अपने क्रूज कंट्रोल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, लाइटिंग इफेक्ट, इमरजेंसी बटन और टर्निंग, और इधर और यहाँ पे कुछ ऐसा हॉर्न कुछ ऐसा रहने वाला है, ये आप देख सकते हो। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप अपना लाइटिंग इफेक्ट वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बहुत ही शानदार और प्रीमियम लग रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा रहने वाला है, और फ्यूल टैंक कुछ ऐसा रहेगा, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ से मैं फ्यूल टैंक भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से ऐसे दबाने से ये लॉक हो जाता है दोस्तों, और ये फ्यूल टैंक है। और यहाँ पर होंडा की बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और E20 ये लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों, यहाँ पर E20 की बैचिंग आपको दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और इस साइड में आप देख सकते हो इसका इंजन कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर आपको इसका इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। और ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन बाइक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो CB300F, और यहाँ पर जो इसकी हैंडल प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको हैंडल प्रोफाइल मिल जाएगा इसमें। तो मैं एक बार आपको इसका हैंडल भी दिखा देता हूँ, तो कुछ इतना बड़ा हैंडल आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी बड़ा हैंडल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा प्रीमियम सा। और यहाँ पर आपको अपने सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर आपको अपने सारे मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे गाड़ी को स्टार्ट करने के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने ORVM देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसका आपको साउंड भी सुना देता हूँ दोस्तों, साउंड कैसा रहने वाला है। तो कुछ साउंड ऐसा रहेगा दोस्तों इस बाइक का, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको साउंड सुना देता हूँ, ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट साउंड देखने के लिए मिलेगा, ऐसा साउंड रहेगा। तो यहाँ से अभी बंद कर देते हैं इसको, यहाँ से आपको पावर बटन मिल जाता है दोस्तों बाइक स्टार्ट करने का, और यहाँ से आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, तो कुछ ऐसा साउंड रहेगा दोस्तों बाइक का, और यहाँ पर आपको सारी दिखाई जाएंगे, ये देख सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन बाइक है दोस्तों ये। तो अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस आपको कितना पड़ेगा इसका, और इसका माइलेज कितना रहने वाला है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। तो ये आराम से आपको सिटी में 35 का माइलेज ये बाइक निकाल के दे देगी, और हाईवे पर आपको आराम से ये 40 तक का माइलेज निकाल के दे देगी दोस्तों, 40 तक का माइलेज ईजिली ये बाइक आपको निकाल के दे देगी दोस्तों। तो 40 का माइलेज काफ़ी अच्छा माइलेज है। तो दोस्तों होंडा CB300F डिलक्स प्रो का मैं आपको फटाफट से प्राइस बता देता हूँ, कितना प्राइस रहने वाला है बेंगलोर कर्नाटक में इसका ऑन रोड प्राइस, और एक्स शोरूम प्राइस कितना रहने वाला है दोस्तों, ये कितने की आपको पड़ेगी ये गाड़ी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो इसका प्राइस रहने वाला है दोस्तों, जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,70,000 है, 1,70,000 आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाएगा, और जो ऑन रोड प्राइस रहने वाला है दोस्तों इस गाड़ी का, वो रहने वाला है 2,18,000 की, ये आपको ऑन रोड पड़ेगी बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में, 2,18,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है, और काफ़ी प्रीमियम बाइक है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इसका लुक आ रहा है, ज़बरदस्त लुक के साथ में ये बाइक आती है, और काफ़ी एग्रेसिव लुक है इसका, आगे से आप देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव लुक है दोस्तों, और काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में ये बाइक आती है। तो 2,18,000 की ये बाइक पड़ जाएगी आपको ऑन रोड, ठीक है, और सारी चीज़ें मिलाकर टैक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर, और एक्स शोरूम ये आपको पड़ जाएगी 1,70,000 की। और माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको माइलेज निकाल के देती है 40 का माइलेज, हाईवे पर 40 का माइलेज आपको आप निकाल के दे देगी ये बाइक इजीली। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और सिटी के अंदर आपको ये 35 का, और हाईवे पर 40 तक का माइलेज ये बाइक निकाल के दे देगी एज़ पर कंपनी क्लेम दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें
डबल ABS के साथ में ये बाइक आती है दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पर आपको ABS मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डिस्क की प्लेट मिल जाएगी। तो डबल डिस्क और डबल ABS के साथ में ये बाइक आती है तो काफ़ी सेफ हो जाती है ABS के कारण। एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको इसका पावरफुल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, 300cc का पावरफुल इंजन। और लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया और शानदार ये बाइक है दोस्तों। अगर और ऐसी पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और पीछे से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है, ये आप देख सकते हो पीछे से बाइक का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। और इस बाइक का दोस्तों दूसरा कलर भी हमारे पास अवेलेबल है, ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हो आप इसका दूसरा कलर, तो इसका कुछ लुक ऐसा रहने वाला है। और ये भी काफ़ी